कि हमारे नेता केंद्र से आए थे 150 सीटें मांगने, लेकिन हम सबको उनको इतनी आशा देना चाहिए कि हम 200 सीटें ले जाएं, 50 उन पर निछावर करके देंगे। डबरा में चुनाव होगा, डबरा में घोषित होगा, डबरा का कोई ना कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। घोषित नहीं हुई, और जिस तरीके सिंधिया समर्थक कई लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, मैंने कब कही? मैं तो कहती है जो हमारे नेतन का मार्गदर्शन होगा, जिसको वो चाहेंगे, जिससे हमारी सरकार बन रही होगी, जिसका सर्वे अच्छा गया हो, उसको टिकट मिले, हम सब मिला के जिताएंगे। कहते हैं इमरती देवी सिंधिया समर्थक हैं, जो 2018 में कांग्रेस को जिताया था, उसके बाद भाजपा में शामिल हुई और कांग्रेस सरकार को गिराया। इमरती जी, किस तरीके से चुनाव से पहले क्या सीख मिली आज? आज मुझे जो हमारे गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह जी ने जो बात करी है, जो हमको सबको मध्य प्रदेश को बढ़ावा देने की बात करी है, वास्तव में मैंने पहली बार उनका ऐसा बोलते हुए देखा है और बहुत अच्छी तरह से सुना है। लेकिन उनकी कहा है 150 सीटें मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे नेता केंद्र से आए थे 150 सीटें मांगने, लेकिन हम सबको उनको इतनी आशा देना चाहिए कि हम 200 सीटें ले जाएं, 50 उन पर निछावर करके देंगे। जी, कहीं ना कहीं जो हारी हुई सीटों पर भाजपा ने घोषित कर दिया 29, डबरा की घोषित नहीं की है आपकी सीट को पहले से? अरे डबरा तो चुनाव लड़ेगा, डबरा में चुनाव होगा, डबरा में घोषित होगा, डबरा का कोई ना कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अभी आपकी घोषित नहीं हुई, और जिस तरीके सिंधिया समर्थक कई लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, मैंने कब कही? मैं तो कहती है जो हमारे नेतन का मार्गदर्शन होगा, जिसको वो चाहेंगे, जिससे हमारी सरकार बन रही होगी, जिसका सर्वे अच्छा गया हो, उसको टिकट मिले, हम सब मिला के जिताएंगे। सिंधिया समर्थक बार बार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों, क्यों जा रहे हैं वो लोग? सिंधिया समर्थक ना नरेंद्र सिंह समर्थक, ना मुख्यमंत्री समर्थक, ना प्रदेश समर्थक, हम एक हैं, एक ही समर्थन है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम सब एक हैं, अब कोई समर्थक नहीं है, ये इमरती देवी का कहना है, जो कि एक समय कहती थी हम सिंधिया के हैं, सिंधिया ही हमारे सब कुछ हैं। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।